दोस्तों स्वागत है आपका बड़ा मस्त क्लासेस में। मैं सूरज कुमार आप लोग के बीच आज जीएस के बारे में जानकारी देना। दोस्तों बहुत लोग बोल रहे थे जो जीएस का वीडियो डाला जाए दोस्तों, तो हमने सोचा आज जीएस का वीडियो डालना है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं विटामिन के बारे में। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और आने वाले आपको एसएससी रेलवे और बिहार पुलिस में जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन का बात क्या है दोस्तों, विटामिन का जो है सर्वप्रथम बार खोज किसने किया था। विटामिन दोस्तों है क्या दोस्तों, हमारे शरीर में जिस तरह आप लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन और जो है वसा सभी जो है इसकी आवश्यक होती है दोस्तों। अगर ये हमारे शरीर में नहीं रहेंगे दोस्तों तो ये हमारी जो है बहुत से जो है रोग प्राप्त हो सकते हैं। तो विटामिन अगर बात किया जाए, विटामिन जो है को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है विटामिन को कार्बनिक यौगिक। पूछता दोस्तों कि विटामिन है तो कार्बनिक यौगिक पदार्थ है, और विटामिन को एक और उपनाम जिसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी जो है शरीर का हमारा रक्षा कौन करता है, विटामिन। अब ये विटामिन का जो है विटामिन का सर्वप्रथम बार खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज सबसे पहले फंक ने किया था। ये किया था 1911 में। ये हमारा फंक जो वैज्ञानिक था ये हमारा पोलैंड देश का था दोस्तों। ये पोलैंड देश आप लोग को पता है कि जर्मनी के द्वारा ही पोलैंड देश पर हमला किया था, और इसी कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। जर्मनी द्वारा इस पर पोलैंड पर हमला, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला। तो पोलैंड का व्यक्ति था इसका नाम है फंक, और ये 1911 में जो है विटामिन का खोज किया गया। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है, और जो है कार्बनिक यौगिक विटामिन का एक और नाम है कार्बनिक यौगिक। अब दोस्तों यहाँ देखना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर मुख्यतः बात किया जाए विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए विटामिन बी और सी विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। दोस्तों अब यहाँ पर देखना है कि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा कि जो है विटामिन 6 प्रकार मुख्यतः होते हैं, लेकिन बी का एक अलग ब्रांच है जिसका होता है दोस्तों B2, B6, B11, B12। और दोस्तों ये आपका अलग होता है बी का, जो विटामिन बी के अंतर्गत आता है दोस्तों, लेकिन मुख्यतः ऐसे विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखना है कि विटामिन अगर है तो आपसे एग्जाम पूछता है जल में घुलनशील, यानी जो है जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन आते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन आते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करेंगे। यानी जल में घुलनशील विटामिन हमारा है बी और सी। तो दोस्तों बी और सी जो हमारा जल में घुलनशील है दोस्तों आता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों। बच गया बी और सी हमारा हो गया दोस्तों, तब बच गया विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा में घुलनशील विटामिन दे देगा आपको ए डी ई और सी, तो आपका क्या होगा दोस्तों, सी होगा दोस्तों। ये था क्या विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब दोस्तों आप लोग को पता है कि विटामिन हमारा शरीर में तो जाने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन जो है विटामिन ये अगर हमारे शरीर में नहीं मिलेगा तो जो है निम्न प्रकार का रोग हो सकता है, और जो इसका है रासायनिक नाम, और जो इसका होने वाले रोग, और इससे जो है किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में चलेंगे दोस्तों अगले। तो दोस्तों हम बताया था विटामिन के कितने प्रकार है, तो विटामिन के 6 प्रकार है, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई के बाद के। और दोस्तों यहाँ पर हो गया विटामिन के बारे में, ये हो गया हमारा विटामिन।
दोस्तों आपसे पूछा गया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो विटामिन, दोस्तों यहाँ पर समझना है जीएस जो दोस्तों बहुत कठिन नहीं होता लेकिन आप लोग कठिन बना देते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर समझना है ऐसा कि ऐसा पढ़िए कि दूसरा को पढ़ा दीजिए दोस्तों। तो आपका जो है रासायनिक नेम और जो है इससे होने वाले रोग और यहाँ पर जो है प्राप्त किस माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का आप लोग को नाम पता है इसका है रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए इससे अगर हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं है तो कौन सा रोग हो सकता है, तो विटामिन ए नहीं है तो हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी। अगर आपसे पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी। और ये विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए दोस्तों दूध, अंडा, हरी साग सब्जी, इसमें आपका गाजर पालक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हरी साग सब्जी। अगर देखा जाए दोस्तों दूध और अंडा हमारे जो है सभी विटामिन के लिए इम्पोर्टेंट है, सब विटामिन में जो है दूध और अंडा की प्राप्त जो है, तो आपके इसमें जो है इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट आता है गाजर कि हमारा जो है विटामिन सर्वाधिक ए की मात्रा किस सब्जी में पाया जाता है या किस फल में, तो आपको आंसर दोस्तों ए। तो आपका जो ए का सही नाम क्या होगा दोस्तों, रेटिनॉल होने वाले रोग रतौंधी। अब दोस्तों बी है, बी सबको पता है कि बी का जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो थायमिन जो है दोस्तों इससे होने वाले रोग बेरी बेरी। दोस्तों बेरी बेरी जो होता है मनुष्य के जो है अगर आपको अचानक जो है चक्कर आना दोस्तों या जो है बेरी बेरी एक प्रकार का रोग है। अब बी से आपको हो गया बेरी बेरी और आपका इसका सही नाम थायमिन। अब यहां देखना दोस्तों इसमें है दूध, अंडा, मांस, मछली। तो बेरी बेरी अगर होगा दोस्तों तो दूध, अंडा, मांस, मछली जो है बाकी। अब आपका है विटामिन सी का नाम, इसका नाम दोस्तों आपको पता है एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड रिसीव कहा जाता है, एस्कर्बिक अम्ल। और सी से एस्कर्बी होने वाला रोग एस्कर्बी। दोस्तों एस्कर्बी जो रोग होता है मसूड़ों में होता है दोस्तों, मसूड़ों और दांत के बीच में होता है या मसूड़ों का फूलना, इसी के अंतर्गत आएगा मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों में आपका जो है ब्लड आना दोस्तों, ये एस्कर्बी बीमारी होता है। और दोस्तों सी का जो है इम्पोर्टेंट है विटामिन सी की जो है खट्टे पदार्थ में, जितना भी दोस्तों खट्टे पदार्थ है खट्टे पदार्थ में सही विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थ दोस्तों एक आता है आंवला, आंवला आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खट्टे पदार्थ के लिए सबसे बड़ा स्रोत आंवला। दोस्तों उसके बाद आएगा नींबू, संतरा, इमली, ये सब दोस्तों क्या है हमारा खट्टे पदार्थ है, तो आंवला इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमारा जो है सी से। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। हमारा विटामिन डी का नाम है रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी कमी से होने वाले इसको कहते हैं दोस्तों चर्म रोग। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो चर्म रोग या इसी को कहते हैं त्वचा रोग, ये बच्चे में ज्यादा मिलते हैं दोस्तों, इसी का एक और नाम आता है रिकेट्स। चर्म रोग दोस्तों अगर हमारा ये जो विटामिन डी, तो आप लोगों को पता है कि विटामिन डी हम लोग को जो है मनुष्य के जो है सर्दी के मौसम में दोपहर के समय जो विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, तो ये हमारा प्राप्त किया जाता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से और जो है मछली युक्त तेल, यानी जो है देखते हैं दोस्तों बहुत से जो है मछली में जो होते हैं तेल, यानी जो है मछली युक्त मछली के तेल से विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों एक हमारा ऐसा विटामिन है कि मनुष्य के शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के शरीर में भंडारित होने वाला विटामिन कौन सा है, जो मनुष्य के शरीर में नहीं प्राप्त होता है, ये ऑटोमेटिक जो है बाहर से लेना पड़ता है दोस्तों, तो जो है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ई का नाम है दोस्तों टेकोफेरॉल,
टेकोफेरॉल। अगर बात किया जाए विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों बांझपन रोग, बांझपन या इसे कहते हैं नपुंसकता, नपुंसकता में कमी या जनन क्षमता में कमी दोस्तों, जनन क्षमता में कमी या विटामिन ई का साइन हम टेकोफेरॉल और विटामिन ई हमारा प्राप्त किया जाता है दूध, अंडा, मांस, मछली दोस्तों, ये सब हमारा जो है विटामिन ई। विटामिन के है दोस्तों थीलोक्यूनिन, थीलोक्यूनोन, थीलोक्यूनिन जो है इसका जो होने वाला रोग है इसका होता है विटामिन की कमी से दोस्तों होता है रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का। अगर कहीं दोस्तों हमारा कहीं पर जो है चोट लग जाने के बाद अगर जो है ब्लड आ गया दोस्तों तो रक्त का थक्का जमना, ये हमारे विटामिन की कमी से। इसमें दोस्तों सब आएगा दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि सभी खाने योग्य पदार्थ, सभी खाने योग्य पदार्थ। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है तो विटामिन के बारे में दोस्तों सबसे पहले कौन बताया था, फंक ने बताया था 1911 बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है विटामिन ए का स्पेशल अगर पूछेगा विटामिन ए का खोज किसने किया था, तो विटामिन ए का खोज किया था मैकुलन, मैकुलन नाम वैज्ञानिक ने जो विटामिन ए का खोज किया था। अगर विटामिन डी सी का खोज किसने किया था, हॉलकर्ट। और विटामिन डी का दोस्तों ये हॉकिंस। ज्यादातर आपसे पूछेगा ये विटामिन ए का खोज किसने किया था, मैकुलन। विटामिन बी का मैकुलन ही जो है, विटामिन सी का हॉलकर्ट, विटामिन डी का हॉकिंस किया था दोस्तों। ये दोस्तों हम देखो दोबारा बार जो है रिपीट कर दोस्तों, विटामिन ए का रसायन नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे होने वाले रोग रतामंदी, दूध, अंडा इसमें इम्पोर्टेंट है, गाजर। और दोस्तों यहाँ पर देखना है बी थायमिन, बेरी बेरी, दूध, अंडा, मांस, मछली। सी स्कर्वी का होना, स्कर्वी जो मसूड़े का फूलना, जो आंवला नींबू खट्टे पदार्थ में पाया जाता है दोस्तों। डी कैल्सिफेरॉल चरम रोग सूर्य के प्रकाश से। और दोस्तों ई टेकोफेरॉल बांझपन या नपुंसकता में कमी, दूध, अंडा, मांस, मछली। और दोस्तों यहाँ पर है के का थीलोक्यूनोन जो रक्त का थक्का जमना, दूध, अंडा, मांस, मछली। और दोस्तों एक आता है क्वेश्चन B12 यानी कोबाल्ट की मात्रा किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट की मात्रा जो होता है B12 यानी दोस्तों बी के बारे में विटामिन जी का, बी का इतना भी पार्ट है B1 B2 B6 B11 B12 दोस्तों बी के बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए जो है हम आने वाले वीडियो में विटामिन बी के बारे में बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे प्रोटीन का वीडियो चाहिए दोस्तों, हमारा प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा जो है 20% हमारा जो है 100 प्रकार का जो है 100% हमारा शरीर है दोस्तों, उसमें 20% जो हमारा प्रोटीन से हमारा शरीर मिलकर बना है दोस्तों। और दोस्तों ये विटामिन के बारे में वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों। और हमारे जो है पीछे वाला वीडियो दोस्तों देखना नहीं भूलें दोस्तों, हमने जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में नीचे भी जो पीछे वाले वीडियो दोस्तों डाल दिया है दोस्तों। और दोस्तों देखने के बाद जो है जो आप हमारे चैनल पर जो पहली बार देखें दोस्तों सब्सक्राइब करना।